को देखने के लिए मिलेगा कि फाइनली हनुमान जी के जरिए राम जी को इस चीज के बारे में पता चलता है कि सहस्त्रमुख रावण का जो भी बेटा है उसने वानर राज के पुत्री का अपहरण कर लिया है और इसी की वजह से हनुमान जी काफी ज्यादा डर जाते हैं और काफी ज्यादा घबरा भी जाते हैं। और दूसरी तरफ राम जी को भी इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। और दूसरी तरफ सबको देखने के लिए मिलेगा कि सहस्त्रमुख रावण और उसका बेटा मिलकर वानर राज के जो भी बेटी है उसे परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। और इसके बाद दूसरी तरफ सबको देखने के लिए मिलेगा माता सीता को अपने ऋषि मुनि के जरिए ये पता चलेगा कि अब लव कुश को कहीं बाहर घूमने के लिए भेजना पड़ेगा ताकि वो देश दुनिया को जान सके और लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी का हेल्प कैसे करना चाहिए, इस चीज के बारे में उन्हें पता चल सके, ठीक है। और दूसरी तरफ माता सीता को इस चीज का चिंता काफी ज्यादा सताता रहता है कि मेरे लव कुश पे कोई बहुत बड़ा खतरा आ गया तो इस चीज का सामना कैसे करेंगे, ठीक है। सुबह के इस स्टोरी जो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बाकी आज के इस वीडियो को भी पिन करते हैं, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।